नमस्ते, मेरा नाम अनीश। अनीश एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश को बनाया है। ऐसा टूथब्रश कुछ दिन पहले रियलमी ने लॉन्च किया था। मैं उस जैसा ही एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाया हूँ, जो कि इस इलेक्ट्रिक एडाप्ट इस तरीके से 5 वोल्ट सप्लाई से चलता है, जो कि है डाटा केबल का। इसको लगा देना है और इसमें मैं ऑन ऑफ स्विच भी लगाया हूँ। तो फिर जब भी हमें ब्रश करने की ज़रूरत होगी, ये तार आप लंबा कर सकते हो। तो फिर इस तरीके से जैसे ही हम दबाएंगे, इसके अंदर एक आवाज़ होगी, आप सुनो कुछ इस तरीके से। तो फिर आप जब आप इस ब्रश को अपने दांत के पास ले जाएंगे, तो फिर ये आपका दांत को साफ कर देगा। तो फिर दोस्तों, चलिए वीडियो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो भी दोस्तों आओ, हम इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश को बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए मैं इस तरीके का मोटर ले रहा हूँ। उससे पहले आज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट जरूर करो। आज की इस वीडियो में मैं लाइक एम रखता हूँ 10 लाइक का। आई होप आप इस 10 लाइक को ज़रूर पूरा करोगे। तो फिर मैं इस तरीके का एक मोटर ले रहा हूँ और इस तरीके का एक खाली सैनिटाइजर का बोतल मैं ले रहा हूँ, जिससे कि मैं पिछली वीडियो में ड्रिल मशीन बनाया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर इसको इस इलेक्ट्रिक ब्रश को बनाने के लिए मैं इस तरीके से एक मोटर इधर फिक्स आ जा रहा था, आप पिछली वीडियो में भी देखे थे। और मैं इस तरीके से बीट जो होता है, ये डिसबैलेंस था, इसीलिए ये वाइब्रेट हो सकता है, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होगा। तो फिर इसको भी हम इसके लगाकर इसको फिक्स कर देते हैं। फिर हम लेते हैं एक ब्रश, ब्रश का मुंह कुछ इस तरीके से। मैं ब्रश का मुंह काट कर लिया हूँ। मैं इसको बहुत छोटा ही काट कर दिया हूँ, आप इससे बड़ा भी इसका डंडी रख सकते हो। इसको इसके लिए मैं इस तरीके का पेन ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके का। पेन का जो खाली वाला हिस्सा है, वो उसमें मैं ये ब्रश मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ये थोड़ा लूज आ रहा है, इसके ऊपर मैं एक टेप लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। मैं इसको ऊपर टेप लगा दे रहा हूँ। फिर एक कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स आ जाएगा, टाइटली फिक्स आ गया इसमें अंदर। फिर मैं इसके ऊपर एक छेद कर लिया हूँ, कुछ इस तरीके से छेद मैं कर लिया हूँ। फिर इसके अंदर मैं इस वाला पेन इधर डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये टाइटली इसके अंदर आ गया। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। फिर हम ले लेते हैं एक USB डाटा केबल और इसके ऊपर लगने वाला एक कैप। इस कैप के ऊपर मैं इस जो ढक्कन हिस्सा है, ढक्कन को मैं हम काट देते हैं। हम इसको क्यों कट रहे हैं, आप वीडियो देखते रहो, आपको मालूम चल जाएगा। फिर मैं इस डाटा केबल को इनके इसके अंदर से गुजार देता हूँ, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मैं इसके अंदर डाटा केबल डाल दिया हूँ। फिर मैं इस बोतल के दोनों ओर में मैं 2 छेद किया हूँ, इस भर भी छेद और इधर भी एक छेद। फिर मैं मोटर के एक वायर को इस छेद में से पहले निकाल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से निकालने के बाद जो स्विच के लिए कट है, इसमें से आपको एक वायर निकाल देना है। फिर मैं इस डाटा केबल में से जो 2 वायर मैंने इसमें निकाला है, उनमें से एक वायर मैं इस मोटर में कनेक्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। मैं इसको इधर कनेक्ट कर दिया हूँ। फिर मैं डाटा केबल के और एक वायर को, जो मैंने दूसरी साइड में भी छेद किया था इधर, इनमें से आपको निकल कर ये जो स्विच के लिए जगह है, इनमें से आपको इसको भी निकाल देना है, कुछ इस तरीके से। फिर मैं इस तरीके का स्विच को यूज़ करूँगा इसमें। ये हाई एम्पियर का स्विच होता है, लेकिन हमें तो इधर ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इस स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं इस स्विच को दोनों किसी भी 2 वायर को स्विच की 2 दिशा में जोड़ देता हूँ। इस पूरे सर्किट को इधर इसके अंदर मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। सर्किट तो नहीं, ये स्विच ही केवल, कुछ इस तरीके से। मैं इस स्विच को इधर फिक्स कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। मैं इसको इसके ऊपर फिक्स कर दे रहा हूँ। फिर ये जो कैप है, इस कैप को मैं इधर इस तरीके से मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बिल्कुल रेडी है। तो फिर इंतज़ार है कि इसका टेस्टिंग करने का। तो फिर इसका हम टेस्ट करते हैं। तो फिर मैं USB केबल को प्लग में कनेक्ट करता हूँ, 3, 2, 1। और फिर जैसे ही मैं इस स्विच को दबाऊँगा, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, आप देखना।
आप सुन पा रहे हो शायद। देखो कुछ इस तरीके से रियलमी शाओमी इस टूथब्रश बनाता है जो कि उनका भी टूथब्रश इस तरीके से वाइब्रेट होकर ही दांतों को साफ करता है। तो फिर आप फिर से एक बार सुनो किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है होकर इस तरीके से जा रहा है आप देखो सिर्फ। तो भी दोस्तों मैं यूएसबी केबल को इधर कनेक्ट किया हूँ और जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ देखो किस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही नामी दामी कंपनियाँ इस तरीके से टूथब्रश बनाती है। तो फिर उन कंपनी का टूथब्रश का प्राइस होता है 3,000-4,000 रुपया, लेकिन ये सिर्फ 50 रुपये में ही बन गया मेरा जो मैंने जो बनाया है। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इस वीडियो को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर करना।